हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप लोगों को एक राइटिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम के दौरान। अगर बात करें तो लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 और साथ ही साथ हमारे अपर क्लासेस में भी 9 to 12, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि मिनिमम 4 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आपके लिए, और आपको हम इसके बारे में, इसके फॉर्मेट को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, साथ ही साथ हम आपको इसके लिए रूल्स बताएंगे और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप सभी लोग बड़े ही आसानी से 4 मार्क्स एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपकी आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, नोटिस राइटिंग। जी हाँ, नोटिस राइटिंग। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि नोटिस राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जिसको ज़्यादातर किसी संस्था के एक ग्रुप को, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को कोई भी इवेंट की या कोई भी प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैसेज देने के लिए लिखी जाती है। और बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही आता है। और इसके जो फॉर्मेट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आपको नोटिस जारी करना है, यानी कि नोटिस लिखना है, उस संस्था का नाम लिखना होता है यहाँ पे। और प्लस क्वेश्चन में दिया रहता है कि वो संस्था किस सिटी में है, तो उस सिटी का नाम भी उसके सामने ऐड कर देते हैं आप। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रत्येक राइटिंग में ध्यान देना होता है। पहली चीज़ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी होती है, पेज के किस कॉर्नर में, ऊपर नीचे, यानी कि एक फॉर्मेट होता है प्रत्येक राइटिंग का जो आपको ध्यान देना होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज़ कैपिटल में, कौन सी चीज़ स्मॉल लेटर में या ब्लॉक लेटर में लिखी जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं कि दो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के नेम लिखे जाते हैं, या आप या तो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में किसी में लिख सकते हो। हाँ, ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर में। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में डिफरेंस क्या होता है। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है किसी भी शब्द के प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दूसरी चीज़, अगर कैपिटल लेटर की बात करते हैं, तो कैपिटल लेटर प्रत्येक वर्ड जो आप हेडिंग्स में लिखते हो या सेंटेंस में लिखते हो, तो उसके पहले अक्षर जो होते हैं केवल कैपिटल होते हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, अलाइन स्पेस कर देना है। अलाइन स्पेस आपको इसलिए करना होता है ताकि आपकी जो राइटिंग्स हो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई दे, कोई भी पढ़ सके और समझ सके कि आपने क्या लिखा है। अलाइन स्पेस करने के बाद जब आप लिख लेते हो इंस्टीट्यूट का नाम, उसके नीचे ठीक सेंटर में बीच में आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना पड़ता है, और इस बॉक्स में आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पे यही चीज लिखनी है पूरे ब्लॉक लेटर में, यानी कि NOTICE जो ब्लॉक लेटर में आपको लिख देना है। जी, छोटी सी बात है, कोई भी कर सकता है। और फिर उसके बाद आपको वापस अलाइन स्पेस कर देना है यहाँ पे। अलाइन स्पेस करने के बाद अपने लेफ्ट साइड में और पेज के राइट साइड में, यो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट साइड होता है पेज का, राइट साइड होता है ठीक अपोजिट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने लेफ्ट में आपको साइड में आ जाना है और यहाँ पे डेट लिखना है। और राइटिंग में डेट जो होता है सिर्फ दो ही फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जो फॉर्मेट आपको पता हो उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। यूजुअली जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लिख देते हैं 27/4/2020 एक्सेट्रा, तो ये गलत होता है, राइटिंग में इसको माने नहीं प्राप्त है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी फॉर्मेट है जिसको यहाँ पे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप डेट जो है या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में लिखेंगे, April 27, 2020 या 27 April 2020, इस तरह से ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है,
अलाइन स्पेस, यहाँ पे फिर से वापस आपको एक लाइन गैप करना है, एक लाइन छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे आपको हेडिंग या टॉपिक लिखना है। जी हाँ, हेडिंग या टॉपिक लिखना है। हेडिंग या टॉपिक जो है यह डिपेंड करता है टोटली कि आपका क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपके क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट पे, किस मुद्दे पे, किस विषय पे आपको नोटिस लिखने के लिए कहा गया है। तो जो आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्राप्त है, जिस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है नोटिस, उसको क्या करना है, आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेडिंग बना लेना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हेडिंग होता है, हेडिंग को भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो, और इसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो हेडिंग आप लिखेंगे उसे अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद अलाइन स्पेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड में अपने, और यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे। जी, सैल्यूटेशन भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको कोई इंचार्ज या कोई भी आपको मेंबर बनाया जाता है स्कूल का, और कहा जाता है कि आप स्टूडेंट के लिए आप नोटिस जारी करो, लिखो, तो आपको डियर स्टूडेंट्स लिखना होता है सैल्यूटेशन में। अगर आपको कोई अपर फैकल्टी बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि आप किसी ग्रुप ऑफ टीचर्स को आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे सर या मैम का यूज़ करते हैं। जी हाँ, तो इस सर और मैम में आपको ध्यान देना है कि अगर किसी लेडीज़ को लिखना है आपको नोटिस, तो आप मैम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज 99% सर का ही यूज किया जाता है यहाँ पे। जी, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस का होता है उसे लिखना होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेंट, यानी कि बॉडी ऑफ नोटिस। इसे बॉडी ऑफ नोटिस कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इजिली कि कैसे आपको लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। आप बस वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बॉडी ऑफ नोटिस होता है, इसकी एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर बिगनिंग दे सकते हैं अपने नोटिस को। प्रॉपर बिगनिंग देने के लिए, एक प्रॉपर बिगनिंग देने के लिए अपने नोटिस को क्या करना है आपको, सिंपली आपको इस स्टेटमेंट को लिख लेना है। कोई भी नोटिस लिखनी हो, किसी प्रकार की लिखनी हो, आप ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यही आप यूज कर सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स और मेंबर्स दैट। जी हाँ, हाँ, अगर स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑल के बाद आप स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। यदि टीचर्स या अदर फैकल्टी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी मेंबर्स वगैरह लिख सकते हैं। जी, इसके बाद एक बीच में क्या लिखना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप नोटिस लिख लिए हो तो इंड कैसे करोगे आप बॉडी को इसके, यानी कि इसकी एक प्रॉपर इंडिंग भी आपको ज़रूरत होगी, प्रॉपर इंडिंग करने की ज़रूरत होगी। तो इस इंड में, प्रॉपर इंडिंग में आपको क्या लिखना है, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे फॉर फर्दर डिटेल्स, यानी कि आगे की जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट संपर्क करें द अंडरसाइंड। ठीक है, तो आपने देख लिया, और जैसे ही आपका बॉडी ऑफ नोटिस कंप्लीट हो जाता है, इसके नीचे आपको सिग्नेचर, नेम और डिजाइनेशन लिखना होता है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी सी चीज है। एक क्वेश्चन में अगर आपको बताया गया है कि आप क्या है, आपको आपका नाम भी कुछ दिया हुआ है, तो आपको उसी नाम का एक डुप्लीकेट सिग्नेचर कर देना है, और साथ ही साथ उसके नीचे अपना नाम लिखना है, और डिजाइनेशन यानी कि आपको बताया गया कि आप इंचार्ज हो या आप प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, जो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है वो यहाँ पे पद को लिख देना। अगर इंचार्ज बताया गया है, जैसे कि कल्चरल फैकल्टी का इंचार्ज बताया गया है, तो यहाँ पे कल्चरल इंचार्ज लिख देंगे, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है कि यदि क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया गया है आपका कि आप कौन हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आप यहाँ पे सिग्नेचर को अवॉइड कर देते हैं, सिग्नेचर नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे नाम भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जी हाँ, ए बी सी लिख देंगे या एक्स वाई जेड लिख देते हैं, और नीचे डिजाइनेशन तो श्योरली दिया रहता है, वो आप लिख देंगे। इस तरह से आपका नोटिस जो है नियर अबाउट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कंटेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके लिए ही मिलते हैं। तो आइए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हैं जिसके जरिए आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कंटेंट में क्या लिखना है। जी हाँ, जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आप
सॉरी शुरू कर लेते हैं अपने कंटेंट को। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स और मेंबर दैट, इसके बाद क्या करना है आपको बताना है, एक अपने माइंड में क्वेश्चन पुटअप करना है, व्हाट, यानी कि किस इवेंट या प्रोग्राम के लिए आप नोटिस जारी कर रहे हो, उस चीज को आपको यहाँ पे दिखाना होता है। दूसरी चीज फॉर होम, यानी कि किस तरह के लोगों के लिए, यानी कि किस ग्रुप के लिए, किसके लिए आपके संस्था में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके संगठन में किसके लिए नोटिस लिखनी है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे दो चीजें आपकी छोटी सी चीज है बट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको केयर करना होगा आपको, जैसे व्हेन एंड वेयर, यानी कि किस टाइम को प्रोग्राम होने वाला है, इवेंट होने वाला है, साथ ही साथ आपको डेट बताना पड़ता है और प्लेस, यानी कि कहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज होगा ये बताना होता है। एंड नेक्स्ट चीज है व्हाट टू डू, यानी कि जिस ग्रुप के लिए नोटिस आप जारी कर रहे हैं उस ग्रुप को, यानी उन लोगों को, स्टूडेंट को लिख रहे हैं तो स्टूडेंट को क्या करना है इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन वहां पे बताना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज है डेडलाइन, साथ ही साथ आपको डेडलाइन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नोटिस में, लास्ट में आपको बताना होता है, मेंशन करना होता है नोटिस में कि लास्ट डेट जो है वो किसी भी प्रोग्राम में जैसे पार्टिसिपेट वगैरह करना है तो उसके लिए लास्ट डेट या लास्ट टाइमिंग क्या है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।